मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई है। बीजेपी का फोकस ग्वालियर चंबल की सीटों पर है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि कांग्रेस सरकार में चंबल के साथ साथ पूरे प्रदेश की अनदेखी हुई है। वे कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन और ट्रांसफर उद्योग में लिप्त थी, लेकिन अब भ्रष्टाचारी बंद और विकास कार्य शुरू होंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनका लक्ष्य कुर्सी नहीं जनसेवा है और उसी के तहत वे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करोड़ों रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। लोगों ने चंबल एक्सप्रेसवे की कल्पना भी नहीं की थी, अब उसके साथ औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने का कार्यकाल और हमारे 5 महीने के कार्यकाल की तुलना कर लें, स्थिति साफ हो जाएगी। गौरतलब है कि शिवराज इन दिनों ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक विकास और प्रगति की नीति है, जो अनदेखी और जो अवहेलना कांग्रेस की सरकार के द्वारा केवल ग्वालियर चंबल संभाग नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में की गई थी विकास और प्रगति के आधार पर, और जो वादा खिलाफी की गई थी। एक तो है वादा खिलाफी कि आप कहो कुछ और आप करो कुछ। आप कहो कि हम ऋण माफ करेंगे, हम 51,000 कन्यादान में देंगे, हम 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता करेंगे देंगे, और आप करो भ्रष्टाचार, आप करो अवैध रेत उत्खनन, आप करो शराब माफिया, आप करो ट्रांसफर उद्योग। हमारी सोच है कि भ्रष्टाचारी बंद और विकास कार्य शुरू, और यही एक संदेश हम समूचे ग्वालियर चंबल संभाग को देना चाहते हैं। चाहे मेरी दादी हों, पूर्व राजमाता साहब, मेरे पूज्य पिताजी हों, चाहे मैं हूँ, आज अगर राजनीति में हम उपस्थित हैं तो वो जनसेवा के लिए उपस्थित है। जनसेवा लक्ष्य है, राजनीति लक्ष्य नहीं है, ना कुर्सी लक्ष्य है। मेरी दादी ने अपने जीवन काल में दिखाया, करके दिखाया, ये मेरे पूज्य पिताजी ने करके दिखाया, और 20 साल में मैंने भी करके दिखाया है। मुझे कुर्सी से मोह नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन विकास और प्रगति में वादा खिलाफी अगर हो तो उसके विरुद्ध झंडा उठाना मेरा दायित्व है। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से पहले ही बात की थी कि जो अवहेलना इस क्षेत्र से हुई है, विकास प्रगति की गंगा हमको मिलके बहाना होगा, और ये रूपरेखा एक एक विधानसभा के हर कार्यकर्ता के साथ मिलके, मुख्यमंत्री जी, मैंने, स्थानीय नेताओं ने, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे नरोत्तम जी हों, सब ने मिलकर ये ढांचा बनाया है, और उस ढांचा के तहत एक एक विधानसभा में ये विकास कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।